चुके हैं कहाँ, खागा से 15 किलोमीटर पहले। ये भैया चाचा की चाय की दुकान है, हमारा दोस्त शेरू को बिस्कुट पिला रहा। देखिए और शेरू कहाँ से आया तू? बोलिए दोस्तों, यहाँ चाय का दुकान था नहीं तो यहाँ से चल दिए है। आपका ही आगे चाय का दुकान मिलेगा। पूरी जल हो गई, ये हादसे होते रहते हैं, रोड पे चलते रहते हैं। अब क्या इसका कारण था, क्यों कैसे जला ये तो पता नहीं, पर पूरी गाड़ी ये जल चुकी है। चलिए ठीक है दोस्तों, टायर में छोटा छोटा गिट्टी है, देखिए फंस जाता है, इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो ये गर्म टायर में यही सब पंचर कर देता है। दोस्तों आलू टिंडे की सब्जी है और अरहर की दाल, यही रात का खाना है। तो रात के 12:30 बज गए हैं और हम जावा से रोटी खा के निकल चुके हैं। ये मेरा भाई मेरा दोस्त अब ये गाड़ी चलाएंगे और ये कलकत्ता का जो ट्रिप है अपना, ये पूरे साथ रहेंगे हमारे साथ, अब ये चलाएंगे इनको। राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और यहाँ से अब अपना सफर स्टार्ट होता है। आपको तो पता ही है मेरा माल कलकत्ता का लोड है। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ 58 फरीदाबाद में रुके थे, थोड़ा काम भी था, हो भी गया, आज संडे है तो आज निकल रहे हैं यहाँ से। अभी 60 किलोमीटर जाएंगे जहाँ पे मुझे डीजल लेना है, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे, होटल जगह का नाम है। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, फिर अब अपना सफर भी स्टार्ट हो गया है। और इस सफर में मेरे साथ कोई रहने वाला साथ में, तो अभी उनसे भी आपको मिलवाते हैं। दोस्तों पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं, ये देखिए हमारी कंपनी का ये भी गाड़ी है, डीजल अभी ले रहा है, इसमें डीजल मिल जाएगा, तब हमारी कंपनी को हमारे को डीजल मिलेगा। दोस्तों रात के 7:30 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं मथुरा पार करके, आगरा और मथुरा के बीच में। ये अपने पीछे गाड़ी देख रहे होंगे, गाड़ी खड़ी है, शीशा बहुत गंदा था क्योंकि वहाँ थोड़ा हल्का बारिश हो गया था ट्रांसपोर्ट नगर फरीदाबाद में, तो शीशा गंदा है, साफ कर लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, टायर में छोटा छोटा गिट्टी है, देखिए फंस जाता है, इसको निकालना पड़ता है, नहीं तो ये गर्म टायर में यही सब पंचर कर देता है। यहाँ भी लगा हुआ है, देखिए सब छोटा छोटा गिट्टी फंस जाता है टायर में। दोस्तों रात के 10 बज गए हैं और हम आ चुके हैं टुंडला टोल टैक्स पे, फरीदाबाद जहाँ 58 सेक्टर से चले थे हम, वहाँ से 200 किलोमीटर अब तक का सफ़र हो गया। अभी भी चलते हैं, टायर देखने के लिए रुके थे। चलिए ठीक है दोस्तों, ये पीछे हमारे टोल टैक्स है। दोस्तों इटावा पहुँच गए हैं और ये होटल है, वहाँ गाड़ी लगाए हैं, चलते हैं रोटी खाने। और साथ में मेरा एक दोस्त भी है, उससे मिलवाएंगे अभी, वो आ रहा है। तो रात के 12:30 बज गए हैं और हम इटावा से रोटी खा के निकल चुके हैं। ये मेरा भाई मेरा दोस्त अब ये गाड़ी चलाएंगे और ये कलकत्ता का जो ट्रिप है अपना, ये पूरे साथ रहेंगे हमारे साथ, अब ये चलाएंगे। इनको ब्लॉग को बनाने आता नहीं है तो ये वीडियो नहीं बना पाएंगे। मैं अब चल रहा हूँ सोने, अपना 250 किलोमीटर का सफर भी पूरा हो गया, अभी कितना चलाते हैं देखते हैं, जहाँ नींद आएगा वहाँ हमको जगाएंगे तो फिर हम चलाएंगे। चलिए ठीक है, तो सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम पहुँच चुके हैं, इस समय चौटागरा पार कर चुके हैं, कानपुर भी पार हो गया। हम तो सो गए थे वहीं रोटी खा के, वो तो जो मेरे दोस्त है वही चला रहे थे गाड़ी, तो यहाँ रुके हैं फ्रेश होने के लिए। अब फ्रेश होके यहाँ देखते हैं, चाय का तो दुकान दिख नहीं रहा, उसके बाद यहाँ से फिर अपना सफर कंटिन्यू जारी रखेंगे। बोलिए दोस्तों, यहाँ चाय का दुकान था नहीं तो यहाँ से चल दिए हैं, आपका ही आगे चाय का दुकान मिलेगा तो चाय पियेंगे। मेरा भाई मेरा दोस्त अभी गाड़ी चला रहा है, रात से ही चला रहा था, हम तो पूरा सो गए, पूरा बढ़िया नींद हुआ है, कंडक्टर सीट पे बैठने का मजा ही कुछ और है। चलिए देखिए चल रही गाड़ी अपनी। सुबह के दोस्तों 7 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं कहाँ, खागा से 15 किलोमीटर पहले। ये भैया चाचा की चाय की दुकान है, ये हमारा दोस्त शेरू को बिस्कुट खिला रहा, देखिए। और शेरू कहाँ से आया तू? अरे अपनी गाड़ी खड़ी है इधर, चलते हैं अभी आगे। बुक्का होटल है, बुक्का होटल नहीं है, होटल का क्या नाम है, यादव जी का होटल है, तो वहीं चलकर रुकेंगे, नहाएंगे, रोटी खाएंगे और फिर अपना सफर स्टार्ट करेंगे।
देखिए मजे में खा रहा। अरे हमारी तरफ भी देख ले शेरू, अभी खाने में व्यस्त है। चलो भाई, सुबह के 8 बज गए हैं और हम गोपीगंज बुग्गा होटल पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर अपना खाना पीना होगा, नहाएंगे, उसके बाद यहाँ से आप 3-4 बजे शाम को चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है दिन में। और भैया यहाँ पर जानते हैं कितना बड़ा हादसा हुआ है, देखिए गाड़ी पूरी जल गई है। ये हादसे होते रहते हैं, रोड पे चलते रहते हैं। अब क्या इसका कारण था, क्यों कैसे जला, ये तो पता नहीं, पर पूरी गाड़ी ये जल चुकी है। चलिए ठीक है दोस्तों, इस सफ़र को, और सफ़र तो नहीं कहेंगे, मतलब इस ब्लॉग को अब एंड करने का समय आ गया है। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ से फिर मेरा सफ़र दिख। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट सफ़र के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।